नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूपी लाइव 100 न्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। कौन तहसील में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड-19 टीका आज से शुरू हुआ। कौन जालौन के वैक्सीन कार शुरू किया गया। पहला टीका उप जिलाधिकारी अशोक कुमार वर्मा जी तहसीलदार राजेश कुमार विश्वकर्मा को लगा। आपको बता दें कि जालौन जनपद में आज से शुरू टीकाकरण हुआ। इसमें 109 लोगों को टीकाकरण लगाने के नंबर नोट है, जिसमें 45 लोगों को टीका लगाया गया। इसमें तहसील कर्मचारी राजस्व विभाग ने लेखपाल अमीन यो अनुसेवक तहसील समस्त स्टाफ को टीका लगाया गया। कौन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड-19 टीका लगाया जा रहा है। इसमें डॉक्टर आर के शुक्ला चिकित्सालय, डॉक्टर रामकरण गौरी पुरुषोत्तम सिंह WSOG मॉनिटर ब्रजेश सिंह, डॉक्टर सत्यवीर सिंह, अजय कुमार झा, अर्जुन आशा, विनीती चंद्र कुमार, आशा उषा रेखा समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कर्मचारी लगे टीकाकरण में। डॉक्टर आर के शुक्ला जी का कहना है कि कोविड-19 के हर व्यक्ति को टीका निर्विघ्न लगाया जाए। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की तरफ, संवाददाता कृष्ण कुमार कुशवाहा के साथ। डॉक्टर साहब, कोच सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो कोविड-19 को देखते हुए जो सरकार ने वैक्सीन बनाई हुई उसके टीका लगाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप, क्या कहना है? आज हमारे फ्रंटलाइन वर्कर हैं, तहसील के जो अधिकारी उन लोगों के टीके लग रहे हैं और अभी तक 55 लोगों के लग गए हैं। और जो दवाई हम लोग यूज कर रहे हैं कोविशील्ड, ये बहुत ही अच्छी जाँच की हुई दवाई है और 2 चरण हमारे यहाँ पहले भी हो चुके हैं जिसमें हम लोग भी शामिल थे, तो किसी को कोई नुकसान इससे बिल्कुल नहीं है, ना किसी ने कोई शिकायत की। तो सबसे अपील ये है कि बिल्कुल निर्भीक होकर लगवाएं और किसी को इस दवाई से कोई परेशानी नहीं। अपने यहाँ कोविड-19 के कितने केंद्र बनाए गए हैं, कहाँ कहाँ लगाए जा रहे हैं टीका? नहीं, केवल अभी तो CHC अस्पताल में ही लग रहा है। अभी वर्कर जब फील्ड में जब लगेंगे, पब्लिक का होगा टीकाकरण, तब हम लोग फिर उसकी व्यवस्था।